अक्षय सर की पिछले कुछ मूवीज जैसे सेल्फी, रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज दर्शकों को कुछ खास पसंद आई नहीं, जिस वजह से उन्हें बैक टू बैक 4 फ्लॉप्स झेलने पड़े। उनकी पिछली मूवी सेल्फी, जो बिल्कुल एक डिजास्टर थी, 20 करोड़ से भी कम का कलेक्शन किया था इस मूवी में। लेकिन अपकमिंग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अक्की सर के, जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी 3, कैप्सूल गिल, और इन्हीं अपकमिंग प्रोजेक्ट में से एक है OMG 2, यानी ओ माई गॉड पार्ट 2। अब आपको तो पता ही है कि 2012 में आई ओ माई गॉड एक हिट मूवी थी, तो अभी कुछ महीने पहले ये अनाउंसमेंट हुई ओ माई गॉड पार्ट 2 को लेकर कि ये मूवी OTT पे रिलीज की जाएगी, थिएटर्स में नहीं आएगी ये मूवी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा भी रहा कि इतनी अच्छी मूवी जिसका फर्स्ट पार्ट एक हिट था, उसे OTT पे रिलीज करने का क्या रीज़न है। लेकिन अब ओ माई गॉड पार्ट 2 के मेकर्स ने इस मूवी को थिएटिकल रिलीज देने की बात की है। जी हाँ, अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मूवी का रिलीज डेट भी अनाउंस किया जाएगा। एक बात तो ये मेकर्स ने सही किया कि इस मूवी को OTT पे ना रिलीज करके थिएटर्स में रिलीज करने का डिसाइड किया। ये एक ऐसी मूवी होने वाली है दोस्तों, जिसे अक्षय कुमार के फैंस को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली कुछ मूवीज अक्षय सर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। ऐसे में उन्हें एक बढ़िया कमबैक की जरूरत है और उम्मीद है कि अपने फर्स्ट पार्टी की तरह OMG 2 भी एक हिट साबित होगी। OMG में अक्षय कुमार ने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था, जबकि OMG पार्ट 2 में वो भगवान शिव बनने वाले हैं, और इस मूवी में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी नजर आने वाले हैं।